जी पहले तो प्रणाम सबको। हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही है स्वर्ग से सुंदर गांव हमार। हम लोग चारों इस कलाकार इस फिल्म में हैं, अनिल यादव जी, माटी के लाल, राकेश गुप्ता जी और उमेश जी। तो हमारे यहाँ शूटिंग चल रही है, जिसके प्रोड्यूसर हैं हमारे प्रकाश गुप्ता जी और डायरेक्टर हैं हमारे श्याम चरण यादव। राकेश भाई क्या करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश गुप्ता। आज हम लोग हैं स्वर्ग से सुंदर गांव के सेट पर और हमारे निर्माता हैं प्रकाश गुप्ता जी और हमारे डायरेक्टर हैं श्याम चरण यादव, मनोज राजभर जी और डी ओ पी हैं हमारे अच्छे मित्र उसकी कहानी है। और ये रोमांटिक फैमिली ड्रामा पिक्चर है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, जैसे कि 6-7 दिन से काम चल रहा है। हमारे डी ओ पी सर और हमारे श्याम चरण यादव जी को डायरेक्टर हैं, काफ़ी मतलब क्रिएटिव वर्क और अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से सीन कर रहे हैं, लिया जा रहा है और हम चारों जन मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये फिल्म बहुत जल्दी ही आप लोग को देखने को मिलेगी। और मेरी आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस फिल्म को जरूर देखिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, ये हमारी फिल्म का नाम है, बहुत अच्छा नाम है, जिसका नाम है स्वर्ग सुंदर गांव हमारा। हमारे डायरेक्टर श्याम चरण यादव जी बहुत अच्छा ये सब पता चुके हैं। कैरेक्टर क्या है वो बताओ। कैरेक्टर हम लोग एक गाँव से आते हैं, चार हीरो रहते हैं, चारों का अलग अलग किरदार है। बहुत अच्छी सीन है जो कि हम लोग गाँव से मुंबई आते हैं हीरो बनने के, हीरो तो बन नहीं पाते, वापस गांव चले जाते हैं, बाकी तो फिर अब देखते हैं। बहुत अच्छी मूवी बन रही है, हमारे प्रोड्यूसर जी प्रकाश गुप्ता जी हैं। कितनी शूटिंग हो चुकी है सर? कम्प्लीट आधी मूवी तो सर कम्प्लीट हो चुकी है, चल ही रहा है, बहुत अच्छा मूवी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है सर। अनिल, माटी के लाल क्यों कहते हो खुद को? सर माटी लाल इसलिए कि हम लोग कितने भी आगे चले जाओ माटी से जुड़ते रहो, नदी से जुड़ते रहो। इसलिए मैंने गीत गाया है कि स्वर्ग से सुंदर यूपी बिहार, अरे मिसरी से मीठ लागे भाषा हमार। इसी गाने को सुनकर हमारे प्रकाश जी जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहा स्वर्ग सुंदर गांव हमारा रहेगा और श्याम शरण जी यादव जी उन्होंने बहुत अच्छा मतलब हम लोग को सिखा रहे हैं और करवा रहे हैं। उस कहानी ये है कि मतलब हम लोग गांव के मतलब लखेरा आवारा लड़के हैं चारों, असल में भी वैसे भी हैं। मंच पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, पवन जी के साथ, खेसारी के साथ, नीरव सर के साथ प्रोग्राम करते हैं, वहाँ भी मतलब मंच पे हम लोग मस्ती करते रहते हैं, जैसे गांव में करते हैं। तो गांव में जो पिताजी बोलते हैं कुछ, अरे बटवा इतने गैया इतनी इतनी थोड़ा चारा डाल दो, तो हम लोग बोलते हैं गरीब इतना स्मार्ट हम लोग हैं, हीरो हैं, हीरो बनने की कोशिश, हम लोग गाय को खिलाएँगे चारा। कि जब हम लोग बम्बई में आते हैं, जब बम्बई में जब फंस जाते हैं, जब ठेला पर जब झूठ साफ करते हैं, पूड़ी भाजी तलते हैं, तब एहसास होता है कि नहीं यार, यहाँ का आधा भी काम अगर हम गांव में किए तो आज हमारे मतलब माता पिता इतना हमको प्यार देते हैं। फिर होता है कि नहीं यार, बम्बई चाहे दिल्ली चाहे कुछ भी हो, सब सुंदर मेरा गांव है। कहानी है इंटरेस्टिंग गाना। और इसमें गाना है कि हर यहाँ वहाँ के दर्द हम सुनाई ले होश में, आ कुकुर के हाल भइल आके परदेश में, कि चटनी या रोटी खइबे गाँव अपना देश में, असला कुकुर के हाल भइल आके परदेश। बड़ी बातें हैं। राघव, हल्फा के बाद ये दूसरी फिल्म होगी जी, बताएं मुझे जरा। हल्फा एक बहुत बड़ी फिल्म थी, बड़ी स्टार कास्ट थी, बड़ी बैनर की फिल्म थी, उसके बाद ये कैसी फिल्म है? ये सर मैं पहली बारी प्रकाश जी के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी फिल्म बना रही है। फर्स्ट टाइम ये मेरे को मिले तो इन्होंने बताया कि इस तरह की स्टोरी है, जो एक्चुअली ये हमारी बॉम्बे की लाइफ में कहीं ना कहीं हम सबके साथ हुआ ही होगा, हुआ होगा। स्ट्रगल लाइफ जो रहती है, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग वापस घर चले जाते हैं, लेकिन एक सीख लेके निकलते हैं कि हाँ अगर हम बन सकते हैं तो बनेंगे, नहीं बन पाते हैं तो अपना कुछ दूसरा काम करते हैं। तो वही बात आपकी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। अल्फा मेरा होम प्रोडक्शन था, उसकी फिल्म थी, लेकिन यहाँ मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ, नए आर्टिस्टों से मिल रहा हूँ, नए प्रोड्यूसरों से मिल रहा हूँ, नए डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, नए DOP से मिल रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को भी। राकेश, किसी को असल में किसी का ऐसा स्ट्रगल देखा जीवन में? जी मैं क्या बताऊँ अभी आपको, क्योंकि आपने पहले भी देखी मेरी फिल्म त्रिशूल, उसके बाद काफ़ी अभी एक फिल्म और किया मैंने आज़ाद परिंदे। तो जो इस पीरियड में जो गैप होता है वो सही नहीं रहा, बट ठीक है, अब हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, नई नई चीज़ें, नई नई प्रोड्यूसर, नए आर्टिस्ट और हमारे मित्र हैं अनिल भैया, राघव जी और उमेश भाई और सब हमारे निर्माता डायरेक्टर जो हैं, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है काम करके। और मैं यही बोलूँगा कि
आप लोग भी अपना आशीर्वाद और प्रदान दीजिए और दर्शकों का भी आशीर्वाद दीजिए। उमेश डायलॉग सुनो सर, कौन सी मूवी गाना? किसी भी फिल्म का, वो जो तुम्हें मन ले रहे वो डायलॉग सुना सुना ना, तो सुना दो। ठीक है सर, मैं एक छोटा सा इसी का बोल देता हूँ। काओ जब देखा ना तब तो लोग लड़की के चक्कर पड़ेला। अरे लड़की के चक्कर छोड़ा हो, लड़कियों के चक्कर ना का मुंबई के लड़की पता पा ना, जैसे मुंबई के ना बारिश के पता पा, वैसे लड़की कोनो भरोसा नहीं के। यही से कहा था ही लड़की के मर्दवा पीछे मत पड़िए। लड़की के पीछे कौन पड़ा है इनमें से? ना ना हम लोग हीरोइन कौन है? हीरोइन कौन है? हीरोइन इसमें अभी नीलम दुबे जी हैं और पूजा जायसवाल हैं और बाकी अभी नीलम दुबे जी हैं और पूजा जायसवाल हैं और मुझे लगता है कि प्रियंका सिंह चौधरी जी भी ऑन द वे है, वो पहुँच जाएगी थोड़ी देर। थैंक यू, थैंक यू। स्क्रीन पर दिख रहे घंटी को दबाओ और बिंदास भोजपुरिया की बिंदास खबरें पाओ।